बिग बॉस की चर्चा हो रही, साथ में आपकी भी चर्चा हो रही है, अगर मौका आपको, क्योंकि ऐसा होता है चर्चा चलती रहती है तो वही बंदा बिग बॉस में दिखता है, तो हम अगर मौका मिलता है वापस जाने का आपको तो क्या होगा और किसके साथ पहला सवाल करना चाहेंगे, क्या जवाब होगा? मैं तो ये प्रे करूंगी हर दिन, हर रात, हर सुबह, हर पल कि मुझे ऐसा कोई मौका ना लगे कि मुझे वहाँ प्रकट होना पड़े। सीरियसली बोल रही हूँ, मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मैं जाके शालीन को, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मुद्दा वही है, मैं शालीन को कुछ कहूँ या कुछ कहना पड़े या कुछ भी ऐसा करना पड़े। उन्होंने भी 7 साल अपनी शायद हीलिंग में बिताया है। सही कौन गलत कौन इज इररिस्पेक्टिव नाउ, मेरा बेटा बड़ा हो गया, मैं आगे बढ़ चुकी, वो आगे बढ़ चुके, ख़त्म हो गई बात। वो जो हीलिंग प्रोसेस है ना, वो बहुत पेनफुल होता है, सही इंसान के लिए भी, गलत इंसान के लिए भी। आज ना मैं अपने आप को उस चीज़ से ले जाना चाहती हूँ, उस मेमोरी को मैं लिव, जितना मैंने अभी ये 2 हफ्तों में लिव किया वापस, वो मैंने 7 सालों में नहीं लिव किया। तो आई वुड ऑनेस्टली होप एंड प्रे कि मुझे ना जाना पड़े, और ऐसा एज ऑफ नाउ मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि मुझे जाना है या जाने की कोई मंशा भी है। आई डोंट वॉन्ट टू गो एंड आई विश हिम ऑल द वेरी वेरी बेस्ट एंड या ऐसा होप करते हैं, प्रे करते हैं कि मुझे प्रकट होने का कोई ऐसा कारण ना बने। बट मतलब अगर हो गया मौका, मतलब यू नो एक्टर की लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है। यार एक्टर की बात नहीं है, आप लोग सिर्फ शालीन से रिलेटेड ही पूछ रहे हैं। हर चीज़ एक ही मुद्दे, और किससे बात करना चाहेंगे? मैं जैसे मैंने कहा, मैं अर्चना को अपलोड करना चाहूँगी उनकी दलेरी के लिए। वो किसी से नहीं डरती, कुछ भी बोल सकती हैं, और जो कहते हैं ना यू शी वेयर्स हर हार्ट ऑन हर स्लीव्स, मतलब शी इज़ जस्ट आउट देयर। एंड मुझे अर्चना बहुत अमेजिंग लगती है। मैं अब्दू जो सबको हक बांटते फिरते हैं, मैं भी मांगूंगी, क्योंकि मुझे भी हीलिंग की बड़ी ज़रूरत है। मैं बोलूँगी अब्दू एक छोटा सा हक मुझे भी दे दो, तो मैं जाती सबसे पहले शायद अब्दू से एक क्यूट सा हक मांगूंगी। और बाकी आई थिंक जितने भी प्लेयर्स हैं, दे आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब, अपनी अपनी जगह पर सब। मैं श्रीजता को बहुत पसंद कर रही थी। आई एम जेन्यूनली शॉक्ड एंड स्टिल आई एम नॉट हैप्पी विद द डिसीजन, क्योंकि शी वॉज स्ट्रॉन्ग, शी वॉज स्पीकिंग, मे बी वो बहुत ही राइट चीज़ें बोल रही थी इसलिए निकली गई, आई डोंट नो। बट या सो आई वुड हैव अ कॉन्वर्जेशन विद अब्दू। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा गप्पे में अब्दू से मार के आने वाली हूँ।